हेलो एवरीवन। सो आज का जो क्वेश्चन है वो दिखने में टफ है लेकिन एक्चुअली में वो बहुत आसान है। हो सकता है कि आपसे सोल्व ना हो या फिर हो सकता है सोल्व हो भी जाए, तो इसलिए एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखिएगा, और सोल्यूशन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी सवाल अगर नहीं हो रहा है तो हमेशा टफ ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या। वैसे आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। तो आज का क्वेश्चन है कि ए ए ए प्लस बी 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 प्लस सी 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 इज इक्वल टू बी ए ए सी। ओके, जहाँ पे ए बी और सी जो है वो 0 to 9 के बराबर है एंड ए बी सी का जो वैल्यू है वो यूनिक है। इट मीन्स ए और बी का वैल्यू बराबर सेम नहीं हो सकता, बी और सी का सेम नहीं हो सकता, ए और सी का सेम नहीं हो सकता, मतलब किसी भी दो लेटर का जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बताइए कि ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का वीकेस्ट पॉइंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है, ये है। अब यहाँ से देखिए, तीन डिजिट का सम जो कि 0 से 9 के बराबर है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी ले लेते हैं 9 9 9 9 9 9 ले नहीं सकते हैं क्योंकि अगर एक 9 ले लिए दूसरा 9 हो ही नहीं सकता है। तो चलिए 9 8 और 7 लेते हैं। तो 9 और 8 और 7 कितना होता है, 9 8 17, 17 प्लस 7 कितना है 24। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो है 24। इसका मतलब बी जो है वो या तो 2 होगा या फिर 1 होगा, 0 हो नहीं सकता, 0 होता तो यहाँ पे बी लिखा ही नहीं जाता। तो यह बी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बी का इस दोनों में से एक्चुअल वैल्यू कौन सा है। तो चलिए बी के जगह पे हम यहाँ पे 2 2 2 लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ए ए ए 2 2 2 सी 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 इक्वल्स टू 2 ए ए सी, करेक्ट। जस्ट बी बी के जगह पे, बी के जगह पे मैं 2 लिख दिया। अब यहां से देखिए, यहां से हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस 2 प्लस सी प्लस मैक्सिमम कैरी यहां से कितना आ सकता है। अगर ए 9 हुआ सी 8 भी हुआ तो 9 प्लस 8 कितना होता है 17, 17 प्लस 2 कितना होता है 19, और 19 प्लस चलिए यहाँ से भी एक कैरी आ गया तो 19 प्लस 1 20 हो गया, तो मैक्सिमम कैरी यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर हम इसको 2 लेते हैं तो दोनों सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 2a आ रहा है। इसका मतलब क्या है 20 प्लस a। तो यहाँ से a और a तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला 2 प्लस 2 4, सो 4 प्लस c इक्वल्स टू 20, सो c इक्वल्स टू 16। पॉसिबल है, c तो 0 से 9 के बीच में है तो C16 पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब B भी 2 नहीं हो सकता है, इसका मतलब B कितना होगा, B 1 होगा। तो चलिए B को हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A A A प्लस 1 1 1 प्लस C C C इक्वल्स टू 1 A A C, ठीक है। अब देखिए a प्लस 1 प्लस c, अगर हम a को मैक्सिमम 9 भी लेते हैं, c को 8 लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज लेके चलते हैं, तो 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, मतलब a प्लस 1 प्लस c का मैक्सिमम वैल्यू भी अगर हम लेते हैं तो 18 के बराबर होगा। इसका मतलब इधर से जो कैरी आएगा वो मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, मतलब a प्लस 1 प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस 1 प्लस c 10 प्लस c के बराबर है, तो c और c तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है a इक्वल्स टू 1 इस तरफ जाएगा तो -1, 10 -1 9, तो ये हमें 9 मिल गया। तो चलिए a a a के जगह पे 9 9 9 लिख देते हैं, 9 9 9। अब देखिए, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 9 ये भी तो हो सकता है कि कोई कैरी ना आए इधर से,
ए प्लस वन प्लस सी सी के बराबर हो, तो चलिए वो कंडीशन लेकर देख लेते हैं। ए प्लस वन प्लस सी सी के बराबर है, टेन प्लस सी के बराबर नहीं है। ये दोनों ऐसा छोटा छोटा वैल्यूज है कि ये सी के बराबर हो जा रहा है, टेन से छोटा वैल्यू हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस वन इक्वल टू जीरो मिल रहा है हमें, तो यहाँ से ए कितना मिल जाएगा हमें, माइनस वन मिल जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना, ए तो माइनस वन हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया। तो हमें ए नाइन मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, नाइन प्लस वन प्लस सी, तो नाइन प्लस वन प्लस सी यहाँ से कुछ कैरी आएगा, यहाँ से कुछ कैरी आएगा, कितना कैरी आएगा, मैक्सिमम कितना कैरी ये आ सकता है। तो अब देखिए नाइन प्लस वन टेन, जैसे ही टेन हुआ तो वन तो कैरी आना ही आना है फॉर श्योर। और C जो है, C का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, 9 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब C का मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकता है। तो 10 प्लस 8 18, इसका मतलब कि C का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 1 से ज़्यादा इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम 1 कैरी ले लेते हैं यहाँ पे, और 1 कैरी आना ही आना है। क्यों, क्योंकि 9 प्लस 1 10 ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। तो 9 प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 कैरी इज इक्वल टू 1 प्लस ए, ये वन प्लस ए इज नथिंग बट 10 प्लस ए, और ए का वैल्यू क्या है, 99। तो चलिए यहाँ पे 99 लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 19। तो यहाँ से 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 प्लस सी इक्वल टू 19, तो सी कितना मिला, 19 माइनस 11 डैट इज 8, तो सी मिल गया हमें 8। तो ए मिल गया हमें 9, बी मिल गया 1 और सी मिल गया 8। ये है हमारा सॉल्यूशन, चेक कर लीजिए। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, तो 8 कैरी 1, 9 प्लस 1 कैरी 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 8 19 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18 एंड 1 कैरी 19। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक मस्त वाला कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।